एक लड़के हैं, पर इसमें ये अभी तक यहाँ पे रेड ख़त्म नहीं होती है। इसमें मुझे लगता है कि 200 से के आसपास और लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं और संलिप्त हैं पूरी तरह से। तक कितनी उगाही कर चुके हैं पूरे बिहार के? नहीं नहीं ये पूरे बिहार के, पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम करते हैं। नापतोल.com जो सेल साइट है, जैसे नापतोल.com में किसी ने कुछ सामान खरीदा तो इनके जो लोग हैं पूरे इंडिया में फैले हुए हैं उसका डाटा वो ले लेते थे कि किस किस ने सामान खरीदा है और उसका नंबर डिटेल वगैरह, फिर उसको बोलते थे कि आपका नापतोल.com के आप कस्टमर थे, आपका रिवॉर्ड निकला है, आपकी गाड़ी निकली है, तो आप इस अकाउंट में पैसा जमा करवा दीजिए 15,000 2,000। इस तरह से ये इतनी जगह डायल कर देते थे कि दिन में इनके पास करीब 20-30 हज़ार रुपये पर डे आ ही जाता है। मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थियों का डाटा जैसे ये गए किसी कोचिंग सेंटर में, जो लोग वहाँ कोचिंग करते हैं कुछ करते हैं तो उनके माध्यम से फॉर्म भरवा देते थे कि आप बाद में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी अच्छे नंबर आने पे, और उसी तरह से रेंडमली डाटा कलेक्ट करते रहते हैं। बोर्ड ऑफिस से कोई कनेक्शन इनका नहीं आया है। इनके जो डाटा शीट मिली है उसमें आप देखेंगे कि उड़ीसा, उत्तराखंड, उत्तरांचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, सब जगह के नंबर हैं, सब कस्टमर्स के नंबर हैं। और विशेष बात यह है कि इसी गांव के कई लोग जो हैं इंडिया में कई जगह लेबर वगैरह का काम कर रहे हैं, उन्हीं के अकाउंट्स पे अकाउंट्स खोले गए हैं और उन्हीं के अकाउंट पे पैसा जाता है जो ये ATM के माध्यम से अपने यहाँ पे रख के निकाल लेते हैं।